आज के वीडियो में अपडेट है एलडीए की तरफ से लोहिया इंक्लेव देवपुर पारा को लेकर के। एलडीए ने समाजवादी आवास स्कीम योजना के तहत लोहिया इंक्लेव नाम से एक आवासीय परियोजना लॉन्च की थी कबीर नगर देवपुर पारा में। वहां पर लगभग 1500 EWS, LIG और MMIG वर्ग के 1500 फ्लैटों का आवंटन किया गया था एलडीए की तरफ से, जिनका निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है और आवंटी परेशान है। तो इसी पर एक नया अपडेट एलडीए की तरफ से आया है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने लोहिया इंक्लेव कबीर नगर देवपुर पारा में इस योजना में अपना फ्लैट बुक कराया था या आपकी लॉटरी में फ्लैट निकला था, आपने वहां पर पैसे जमा किए हैं और आप अपना फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो आप लोग जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस तरीके के सारे अपडेट मिलते रहेंगे, चाहे वो लोहिया इंक्लेव का हो, चाहे मोहान रोड योजना का हो, या सुल्तानपुर रोड पर आने वाली IT सिटी वेलनेस सिटी का हो, या फिर सीतापुर रोड पर आने वाली प्रबंध नगर योजना का हो, या फिर आवास संघ की जो पूर्वी बिहार योजना है जो कंचनपुर मटियारी और कमता में आने वाली है, इन सभी योजनाओं का आपको अपडेट मेरे चैनल पर टाइम टाइम पर मिलता रहेगा, कहां पर क्या होने वाला है और कौन सी नई योजना परियोजना आने वाली है। और अगर आप ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में जानकारी चाहते हैं कि ज़मीन जायदाद खरीदने में मुझे फ्रॉड से कैसे बचना है, कैसे फ्रॉड से हम बच सकते हैं, तो उन सभी मामलों को लेकर भी मेरे चैनल पर बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से बताए हुए काफ़ी वीडियो हैं, जिनको आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एलडीए ने 2016 में एक लोहिया इंक्लेव के नाम से स्कीम लॉन्च की थी देवपुर पारा में, जो कबीरपुर के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पर EWS, LIG और MMIG वर्ग के बनने थे, वो अभी तक नहीं बन पाए हैं और आगे उनके ना बनने की उम्मीद है। तो एलडीए की 31 मई को एक बोर्ड बैठक हुई, 177वीं उनकी बोर्ड बैठक हुई, जिसमें ये फैसला एलडीए की तरफ से लिया गया है कि भाई इस योजना को काफ़ी लेट हो गया है और इस पर काम करना अब संभव नहीं है, क्योंकि उस समय जिस रेट पर जैसे भी बुक किया गया था वो सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, कास्टिंग वगैरह भी ज़्यादा आएगी और प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी दबाव भी है लोगों का, तो उस योजना को एलडीए ने समाप्त कर दिया है अपनी तरफ से। तो अगर आपने देवपुर पारा में लोहिया इंक्लेव में फ्लैट बुक किया था, आपने पैसा जमा किया था, तो वह फ्लैट अब आपको नहीं मिल पाएगा, एकदम ये क्लियर कट एलडीए की तरफ से कह दिया गया है, उस योजना को समाप्त कर दिया गया है, तो वहाँ पर अब आपको फ्लैट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एलडीए का फ्लैट लेना चाहते हैं और भविष्य में एलडीए कोई योजना परियोजना लॉन्च करता है इस तरीके की, उसमें आप फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आपको इस बुकिंग के आधार पर वहां पर वरीयता जरूर मिलेगी, वहां पर आपको फ्लैट मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको जो फ्लैट लेने के लिए रकम चुकानी पड़ेगी, जो पेमेंट करना पड़ेगा, वो नए रेट पर करना पड़ेगा, जो उस परियोजना की लागत होगी, जो कास्टिंग होगी, जो रेट एलडीए रखेगा, उस रेट पर आपको वहाँ पर फ्लैट मिल पाएगा। तो ये अपडेट है। और इसके बाद में अब काफ़ी लोग चिंतित होंगे कि भाई जो हम लोगों ने पैसा दिया है वह पैसा हमको कैसे मिलेगा, क्या होगा, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जो आपने पैसा एलडीए को दिया है या फ्लैट के नाम पर जमा किया है, वह पैसा आपको एलडीए वापस कर देगा। वह पैसा आपको कैसे वापस होगा, आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उस पर भी मैं आपको बता देता हूं, और साथ ही वीडियो में ये भी बता देता हूं कि आपको पैसा वापस पाने के लिए आगे क्या करना है। तो देखिए, जो एलडीए आपको पैसा वापस करेगा, उसमें जो पैसा आपने जमा किया है वह पैसा, उसके बाद में जो आपने पैसा जमा किया है उस पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज आपको कितना मिलेगा वो एलडीए ने एक सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित की है, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को सूचना दी है, और हो सकता है अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, वहाँ पर रजिस्टर हो, तो उसके माध्यम से भी, मोबाइल और ईमेल के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाए। एलडीए की तरफ से ये कहा गया है कि जो SBI का जो MCLR की दर है उसके साथ में प्लस 1% MCLR दर प्लस 1% ब्याज
आपको मिलेगा। लेकिन जो मेरा अंदाजा है मोटा मोटी वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग आपको 9% का ब्याज मिलेगा आपके जमा किए हुए पैसे पर। 9% का आपको ब्याज मिल सकता है, यह आप पक्का मत मानिएगा, ये मेरा अंदाजा है क्योंकि मुझे बहुत बैंकिंग सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो अंदाजा है, जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है, ये मुझे उम्मीद है 99.9% सही ही होगी। बाकी आपको एलडीए की तरफ से बता दिया जाएगा आपको क्या मिलेगा, या जब आप आवेदन करेंगे अपना पैसा वापस पाने के लिए तो वहाँ पर आपको सूचना मिल सकती है। तो आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए करना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलडीए ने एक वेबसाइट का नाम बताया है, एक घोषणा की है कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है janhitupda.in, janhitupda.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एलडीए का कोई भी, एलडीए की आने वाली किसी भी योजना में, परियोजना में अगर आगे आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपको इस बुकिंग के आधार पर वरीयता वहां मिलेगी, वहां पर आपको आवास मिल सकता है। तो देखिए, ये एलडीए की योजना थी, एलडीए ने लॉन्च की और 2023 आ गया है और ये उन्होंने बंद कर दी। ब्याज रेट जो बैंक का ब्याज रेट है उससे आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो सपना है फ्लैट पाने का वहाँ, वो सपना आज टूट गया है। ये सरकारी संस्थाएं हैं, इस तरीके का काम करती हैं, उनके लिए लीगल है। यही अगर कोई प्राइवेट संस्था होती, प्राइवेट बिल्डर होता तो बहुत ज़्यादा उसके लिए समस्या हो जाती और जो खरीदार हैं वो भी काफ़ी हल्ला गुल्ला करते। तो ये अपडेट था आज एलडीए की तरफ से देवपुर पारा की जो लोहिया इंक्लेव योजना थी उसको लेकर के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक आप लोग एकदम नहीं करते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।